साइबर क्रिमिनल से मुक्त कराने के लिए नवादा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। 5 साइबर क्रिमिनल्स को और साइबर ठगी करने के प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया। इसके नाम पर ये लोग पहले फेक आईडी बनाते हैं और उसके बाद लोगों को कॉल करके ऑनलाइन सस्ते दर में लोन उपलब्ध कराने हेतु मेरे पास से 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक कीपैड फ़ोन बरामद किया गया। सभी क्रिमिनल्स के ऊपर लगातार रेड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफलता प्राप्त। नवादा जिले के वारिसलीगंज से नवादा पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। मामला नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नवादा जिले के पुलिस कप्तान अम्बरीश राहुल के निर्देश पर फिर एक बार वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी प्रदान करते हुए नवादा जिले के SP अम्बरीश राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वारिसलीगंज के कोच गाँव में एक बगीचे में साइबर अपराधियों के जुटे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वारिसलीगंज पुलिस के सहयोग से छापेमारी दल का गठन किया गया, जहां पुलिस ने पाया कि बगीचे में लगभग 15 की संख्या में लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर लोगों को ठगी करने का काम कर रहे हैं। तभी पुलिस बल के सहयोग से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि शेष लोग पुलिस को आते देख फरार हो गए, जिन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। इधर गिरफ्तार साइबर अपराधियों में नालंदा जिले के कतरी सराय थाना क्षेत्र के पलितपुर गाँव निवासी अरुण प्रसाद के पुत्र उत्तम कुमार, वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी सुधीर प्रसाद के पुत्र साजन कुमार, नालंदा जिले के कतरी सराय थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी जगन्नाथ सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह, वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कंधा गांव निवासी बाबूलाल सिंह के पुत्र मुन्ना कुमार एवं विजय सिंह के पुत्र रोशन कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 7 एंड्रॉइड फोन, 1 कीपैड फोन, 150 पेज कस्टमर डाटा शीट बरामद किया गया है। SP ने ये भी बताया कि सभी अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वह लोगों से फेसबुक पर धनी फाइनेंस के नाम पर फेक आईडी बनाकर ठगी करता था। जब कोई ग्राहक उनके जाल में फंस जाता था तो उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासबुक की छाया प्रति, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की मांग करता था तथा NOC देने के नाम पर एवं प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर वह लोगों को ठगी करता था। SP ने बताया कि गिरफ्तार सभी 5 अपराधियों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायालय की देखरेख में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में क्या कहते हैं SP अमरीश राहुल, डालते हैं एक नजर। साइबर क्रिमिनल से मुक्त कराने के लिए नवादा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के 2 गाँव कोच गाँव और कांधा में वारिसलीगंज थाने के द्वारा रेड किया गया और कुल 5 साइबर क्रिमिनल्स को और साइबर ठगी करने के प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को चारों तरफ से घेर कर जहाँ पर यह बैठकर लोगों को कॉल कर रहे थे वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति में उनमें बताया है कि ये लोग जो है धनी फाइनेंस के नाम से ठगी करते हैं। धनी फाइनेंस के नाम पर ये लोग पहले फेक आईडी बनाते हैं और उसके बाद लोगों को कॉल करके ऑनलाइन सस्ते दर में लोन उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करते हैं और एक बार जब लोग फंस जाते हैं इनके जाल में तो इनके द्वारा उनसे आईडी मांगा जाता है और आईडी मांगने के बाद NOC उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे पैसे मांग की जाती है। इसमें से कुछ भोले भाले लोग जो हैं वो पैसे दे देते हैं और उन पैसों का ये लोग तुरंत ट्रांसफ़र करके पैसा निकाल लेते हैं। इनके पास से 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक कीपैड फ़ोन बरामद किया गया है और ढेर सारे कस्टमर्स के नंबर जो इन्होंने लिख रखे हैं और जिनपे ये कॉल करते हैं वो बरामद किया गया है। इनसे किसी प्रकार के पैसे की बरामदगी अभी नहीं हो पाई है। इनके द्वारा अन्य 12 लोगों का नाम लिया गया है और हम लोग उन सभी क्रिमिनल्स के ऊपर लगातार रेड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और कैश भी बरामद करेंगे जो इनके द्वारा लोगों से ठग लिया गया है। इस तरीके से लगातार साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ नवादा पुलिस का अभियान जो है वो लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।